तो आज हमारी सवारी चली एक प्राइवेट प्लान सिटी में, जो कि जस्ट 65 किलोमीटर फ्रॉम पुणे है और उसका नाम है लवासा। और मैंने पूरी रोड की व्यूज़ कैप्चर किया। कितना मुझे अच्छा लगता है ऐसे वीडियोस बनाना। सो गाइस, जहाँ हम जा रहे हैं लवासा सिटी को, ये इटालियन टाउन फोटोफेनो स्टाइल बेस्ड एक सिटी बनाया गया है। बेसिकली जो महाराष्ट्र से हैं और पुणे साइड के हैं वो यहाँ ज़रूर घूमने आते हैं और उनमें से हम एक हैं। और आज है 1st Jan, सो वी आर वेरी हैप्पी न्यू ईयर गाइस। आई नो जब तक मैं ये वीडियो अपलोड करूँगी YT पे तब तक 1st Jan तो निकल गया होगा, बट न्यू ईयर अभी स्टार्ट है। अभी लवासा सिटी जाने का जो रास्ता है वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर है, जैसे कि आप देख रहे हो वीडियो में, और बहुत ही सीनिक व्यूज़ है। और मॉनसून में यहाँ वाटरफॉल वगैरह देखने को मिलता है। सो हमने यहाँ कुछ फ़ोटोज़ एंड वीडियोस लिया, जो कि हम एज़ यूज़ुअल करते हैं। और लवासा जाते टाइम ऑन द वे फर्स्ट आपको देखने को मिलता है टेमघार डैम, और इस डैम के आजू बाजू कुछ फूड स्टॉल्स भी हैं, टपरी टाइप ढाबा, जहाँ पे आप कुछ खा भी सकते हो, अपना फर्स्ट हॉल्ट ले सकते हो जैसे कि हमने किया। आफ्टर दैट ये है लवासा सिटी की मेन एंट्री गेट, जहाँ एंट्री टिकट लेना पड़ता है और हमने भी लिया। और यहाँ का एंट्री टिकट प्राइस 2-व्हीलर का 200 रुपीज़ है और 4-व्हीलर का 500 रुपीज़ समथिंग है। और यहाँ से लवासा सिटी लेक व्यू और सिटी व्यू दिखता है, और ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। ये फ़ोन कैप्चर नहीं कर रहा जितना हमने अपने नेकेड आइज से देखा। ओह गॉड, इट्स जस्ट अमेजिंग। और गाइज यहाँ पे एक व्यू पॉइंट भी है जो कि हमने तो मिस कर दिया, क्योंकि हमें ऐसे कुछ प्लानिंग नहीं किया था कि हम लवासा सिटी घूमने जाएंगे। हमारा 1 डे बिफोर प्लान होता है, तो हमने तो ये मिस कर दिया यहाँ का जो पॉइंट था। और अब हम अंदर सिटी में हैं, और जो गाइज ये जो लवासा सिटी है वो एकदम कलरफुल एंड फुल इटालियन स्टाइल बिल्ड सिटी है। लवासा सिटी में फ़ोटोशूट, प्री वेडिंग शूट कराने के लिए बहुत ही बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि यहाँ का जो स्टाइल है वो बहुत ज़्यादा यूनिक है। लाइक इटालियन स्टाइल बिल्ड सिटी है, तो ऑफकोर्स फोटोज़ वगैरह बहुत ही अच्छा आता है। और मैंने काफ़ी लोगों को ऐसे देखा फ़ोटो शूट कराते हुए, लाइक प्री वेडिंग टाइप समथिंग। गाइज यहाँ स्टे करने की भी मल्टीपल ऑप्शंस है, लाइक लेक साइड व्यूज़ वाले रूम मिल जाएंगे, और छोटे छोटे विलाज हैं, फर्निश्ड अपार्टमेंट हैं और रिजॉर्ट भी है। और अगर आप लवासा सिटी घूमने जाते हो तो प्लीज़ 1 नाइट स्टे तो ज़रूर करना, क्योंकि नाइट का व्यू बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है एज़ कम्पेयर टू डे। हमने तो नहीं किया नाइट स्टे, बट आप ज़रूर करना अगर आप घूमने जाते हो। हमारा ऑफिस था इसलिए हमने नाइट स्टे नहीं किया, बट आप ज़रूर करना। लोग इस प्राइवेट सिटी में रिलैक्स करने आते हैं, क्योंकि यहाँ का एम्बियंस बहुत ही रिलैक्स्ड टाइप है। और यहाँ पे बोटिंग, मल्टीपल एक्टिविटी करने का भी बहुत सारा ऑप्शन है जो कि आप आके कर सकते हो। लवासा सिटी में लोग ज़्यादातर प्री वेडिंग सूट कराना
पसंद करते हैं और करवाने आते हैं। और ये है लवासा टाउन हॉल जो कि सिटी में है ऑफकोर्स। और इधर मैं कुछ वीडियोस ऐसे रील्स के लिए बना रही थी और मेरे पास एक क्यूट सा डॉगी था तो मैंने उसे भी कैप्चर कर लिया एंड बस। और उसके बाद हमने इंजॉय किया इधर यहाँ का व्यूज़ ऑफ। रेस्टोरेंट के पास में ही ऑफकोर्स सिटी में ही है, बहुत सारे रेस्टोरेंट हैं और ऐसे ही रील्स वगैरह बनाया, फोटोज़ क्लिक किया। और यहाँ पे साइकिल मिल रहे थे रेंट के लिए जो कि आप 500 अप्रॉक्स देके आप 2 आवर्स पूरे लवासा सिटी घूम सकते हो। और तो मैम हमने भी ऐसे ही 2 घंटे तो नहीं, बस आई थिंक 20-25 मिनट हमने भी घूमा जो कि ये 2-व्हीलर था, 2 सीटर सॉरी इट्स अ 2 सीटर। तो हमने ऐसे घूमा, वीडियोज़ वगैरह कैप्चर किया और बस फिर हम रिटर्न हो गए और हमारा न्यू ईयर बस ऐसे ही निकल गया, फर्स्ट ईयर का फर्स्ट डे। ये कुछ डैम के पास का व्यू है ऐसे ही। और फिर हम घर को निकल गए यहाँ के बाद से और हमने रास्ते में डिनर किया था जो कि मैंने कैप्चर नहीं किया क्योंकि मेरा फ़ोन डिस्चार्ज हो गया था। क्लियर व्यू नहीं आ रहा घर वापस लौटते टाइम हमें रास्ते में कुछ शॉपिंग किया हमने
जो कि राजस्थान का था, ये ऐसा एग्जीबिशन टाइप लगाए थे। तो यहाँ से हमने कुछ शॉपिंग किया। दैट्स इट ऑफ द डे एंड बाय। कितनी का ये? ठीक है, अभी कॉम्पिटेटिव है। आप बोलो, मैं ये दुपट्टा आएगा 1200 1200 एंड वर्क जी।